उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। बीते दिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे NCR में शाम को अचानक मौसम ने करवट ली और कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही 7 मई तक बारिश की चेतावनी जारी की थी। बारिश का ये सिलसिला अभी यूं ही चलता रहेगा। देश के कई राज्यों में 4 से 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहले ही वीकेंड पर बारिश की आशंका जताई गई थी। आज ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिली। सुबह की शुरुआत बादलों के गरजने और बरसने के साथ हुई। हल्की बारिश से ही दिल्ली NCR का मौसम सुहाना हो गया। मई का एक हफ्ता बीतने के बाद गर्मी और लू से फिलहाल राहत है। मौसम अभी कूल बना हुआ है। तो वहीं नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद समेत पूरे NCR में रविवार शाम को फिर धूल भरी आंधी और झमाझम बारिश से मौसम सुहाना उठा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में दिन में ही अंधेरा और काले घने बादल छा रहे हैं। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। मई के मौसम में लोगों को जनवरी जैसी ठंडक महसूस हो रही है। हालांकि अब धीरे धीरे दिल्ली NCR में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लोकल डिस्टरबेंस की वजह से ऐसा मौसम बना हुआ है। फिलहाल आज आसमान साफ रहेगा, तेज धूप होगी, गर्म हवाओं का प्रकोप थोड़ा बना रहेगा। दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, रामपुर, हापुड़, गुलावटी, संबल, कासगंज, हाथरस और मथुरा जैसे अन्य क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश के साथ साथ हिमालय इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में बेमौसम बर्फबारी से जनजीवन भी काफी बदला हुआ है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का दौर जारी है। यहां चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसमें बार बार रुकावट पैदा हो रही है। उत्तराखंड के अलावा बात करें बाकी राज्यों की, तो केरल, कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के लिए 9 मई तक प्रदेश में मौसम बिगड़ा रहेगा। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार हैं। 9 मई तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, गुरदासपुर, जलंधर, मोहाली, रूपनगर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। वहीं विभाग ने यह भी बताया कि हरियाणा के रोहतक, भिवानी और झज्जर में भी सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। और मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले भी पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।